आर यू ऑल? आई एम योर मैथ टीचर हरप्रीत कौर फ्रॉम बाबा किशन दास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विलेज लाना डिस्ट्रिक्ट फटिकल साहब. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 3.2, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. लेट मी सी वॉट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. A composite number can be written as the product of prime factor is called prime factorization. Prime factor का जो product लिखा जाता है composite number में, एक उसे prime factorization कहते हैं. Prime factorization में two methods होते हैं इसकी. Prime factorization के प्राइम फैक्टराइजेशन के दो मेथड्स होते हैं. कौन से मेथड होते हैं? फर्स्ट है आपका मेथड फैक्टर ट्री मेथड, और दूसरा है डिवीजन मेथड. ये दो मेथड हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन को पता करने के लिए हेल्पफुल हैं. ये जो दो मेथड हैं यूज होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट हमारा मेथड है वो है फैक्टर ट्री मेथड. तो हम इस मेथड में सम कैसे पता कर सकते हैं, आपने पहले भी मैंने आपको सिखाया था. तो देखो, एग्जांपल ले लेते हैं. हम एग्जांपल ले लेते हैं 48. अब 48 हमारे पास एक डिजिट है, उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में बदलना है. तो हम देखेंगे 48 को हम आगे बढ़ाएंगे, इसको डिवीजन में लेके जाएंगे कि 48 किसके टेबल में आता है. एक नंबर हम प्राइम लेंगे, एक नंबर हम कंपोजिट लेंगे. जैसे अब 48 2 के टेबल में एक प्राइम हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 24, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा. ओके, ये प्राइम नंबर, एक हम प्राइम नंबर लेंगे, एक हम कंपोजिट. प्राइम नंबर आप सबको पता है जो खुद के टेबल से ही जाता है और किसी टेबल में नहीं आता. तो जो 2 है वो हमारा हो गया प्राइम नंबर. जो 2 है वो हमारा है प्राइम नंबर. देखो, 2 खुद के टेबल से जा रहा और किसी टेबल के से नहीं जा रहा, और 24 है हमारा कंपोजिट. तो इस तरह एक हमने प्राइम नंबर लेना है और एक हमने कंपोजिट नंबर लेना है. इसी तरह आप 24 को हम डिवाइड करेंगे. अब 24 किसके टेबल में आता है? सबसे पहले 2 से ही लेंगे. 2 12 24 आता है. अब इसमें भी देखो, जो 2 है वो प्राइम नंबर है और जो 12 है वो हमारा कंपोजिट है. अब हमने 12 को आगे डिवाइड करना है. तो देखो, उसकी डिवीजन करनी है 12 की. 2 6, 2 6 और 12, तो 2 हमारा हो गया प्राइम नंबर और 6 हमारा हो गया कंपोजिट नंबर. अब इस तरह हम 6 को आगे डिवाइड करेंगे. देखो, 2 3 6, तो 2 क्या है हमारा प्राइम नंबर है और 3 भी हमारा प्राइम नंबर है. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इज, तो हमने क्या लेना है? देखो बेटा, हम कंपोजिट नंबर नहीं लेते, हम सिर्फ यहां पर लेंगे प्राइम, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कहा है. तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा होगा? हम लेंगे सिर्फ प्राइम नंबर, सिर्फ इसके प्राइम नंबर लेंगे. कौन से हैं? देखो, ये 2 मल्टीप्लाई ये 2 मल्टीप्लाई ये 2 मल्टीप्लाई ये 2 और ये 3, ये 3 भी प्राइम नंबर है. तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. तो ये 4 जो 2 आएंगे और एक 3 है. तो हमने सिर्फ प्राइम लेना है, कंपोजिट नहीं लेना. ओके, ये हमारा है
पहला मेथड फैक्टर ट्री मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। जो नेक्स्ट है हमारा वो डिवीजन मेथड है। हम एक ही जो डिजिट ले लेते हैं वो 48 ही ले लेते हैं, इसमें भी 48 लेंगे। अब इसमें क्या करना है, हमने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को डिवाइड करते जाना है। अब जैसी देखो, आपने ऐसी एक साइन बना लेना, यहाँ पर लिख देना 48। अब देखो 48 सबसे पहले लोवेस्ट प्राइम फैक्टर है हमारा 2। 2 से 48 जा सकता है, यस। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ओके। अब फिर देखो ये फिर 2 से जा सकता है, तो लोवेस्ट प्राइम कौन सा हमारा नंबर 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब फिर 12 जो है फिर 2 के टेबल में आता है ना, 2 6 ज़ा 12। फिर जो 6 है 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6। अब 3 2 के टेबल में नहीं आता। अब हम नेक्स्ट टेबल देखेंगे 3 का, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 1 ज़ा 3। तो ये भी बहुत सिंपल मेथड है, डिवीजन मेथड। और इसमें अब हम हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा होगा, ये, ओके। हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इज, ये देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर वर्क। यू हैव टू प्रैक्टिस विद द डिफरेंट नंबर। आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर लेना और उसे फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड अपने आप सॉल्व करके देखना। ये आपका होमवर्क है। आपने अलग अलग नंबर लेने हैं, उसमें आपने ये दोनों मेथड यूज़ करने हैं और देखने हैं कि आपको ये सब आते हैं, और इसको आपने प्रैक्टिस करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।